हेलो गाइस, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टू जी एल गेमर पर। तो गाइस, आज की वीडियो में देख सकते हैं हमारे फ्री फायर में एक न्यू इवेंट आया है जिसका नाम है वेलेंटाइंस सेल 50% ऑफ गिफ्ट स्टोर। यहाँ पर गाइस गिफ्ट स्टोर में आपको 50% ऑफ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अपने फ्रेंड को या फिर किसी फ्रेंड से आप मतलब गिफ्ट करवा सकते हो 50% ऑफ के साथ। तो गाइस यहाँ पर चलिए मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारे फ्री फायर में, आप लोगों को पता होगा, मैं चलिए आपको बता देता हूँ जाकर। जैसे यहाँ पर हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पर आपको टॉप अप करने का ऑप्शन मतलब काम नहीं कर रहा है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं मेंबरशिप करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों ने भी फेस किया होगा, अभी भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि देख सकते हो यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, और ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होने होगा और होने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मेंबरशिप माने गए तो यहाँ पर बोल रहा है द आइटम यू रिक्वेस्टेड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर परचेस बोल रहा है। इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और कब तक सॉल्व होगा ये मैं आपको बताऊँगा पूरा, तो वीडियो को बिना स्किप के देखना गाइस, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। एंड यहाँ पर चलिए टॉपअप वाला भी जाकर देख लेते हैं, टॉपअप हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो अब हम टॉपअप वाले में जाते हैं तो टॉप मारते हैं तो यहाँ पर होता है या नहीं देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम टॉपअप के सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत से सभी लोगों को देखने को मिल रही है, किसी एक को नहीं, किसी दो को नहीं, सभी लोगों को, जितने भी बंदे फ्री फायर खेलते हैं। एंड कई लोगों का नेटवर्क कनेक्शन एरर हो रहा है गाइस, लगभग वो सॉल्व अभी हो चुका है, कई लोग बोल रहे हैं, एयरटेल सिम वालों का भी हो चुका है बोल रहे हैं। तो देखना किसका हुआ है, और जिसका नहीं हुआ है तो वो कर लेना, मतलब हॉटस्पॉट लेके खेल लेना किसी और बंदे से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टॉपअप भी करने जा रहे हो तो द आइटम इज रिक्वेस्टेड नॉट अवेलेबल फॉर परचेस बोल रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी परचेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, अब यहाँ पर देख सकते हो तो गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ आया है, तो मतलब क्या मतलब का भाई इवेंट का बताओ आप ही लोग। अभी गिफ्ट स्टोर में ऑफ आया है मतलब तो कुछ मतलब का ही नहीं रहा ये इवेंट, जब टॉपअप ही नहीं होगा तो डायमंड कहाँ से मिलेगा, और डायमंड नहीं मिलेगा तो गिफ्ट स्टोर हम गिफ्ट किसको करेंगे, कैसे करेगा भाई, कौन गिफ्ट करेगा बताओ ना, डायमंड ही नहीं रहेगा। तो मैं ये प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किस कारण से हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कैसे प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे प्ले स्टोर से जो फ्री फायर हटा दिया गया है, जिसके कारण से वो डायमंड परचेस नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि गाइस जब भी मतलब इस तरह से मतलब गूगल प्ले या फिर जो भी आइटम परचेस करते हैं ना, कहीं यहाँ पर बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे कि लॉर्ड्स, एक लॉर्ड ऑफ मोबाइल क्या पता नहीं एक गेम है, और जैसे BGMI और कई गेम्स हैं जिन पर मतलब इस तरह से परचेस होता है, ठीक है। तो मतलब उस ऐप के अंदर परचेस करोगे कुछ भी तो गूगल प्ले से मतलब वेरीफाई होता है, ठीक है ना। तो वो चेक करता है कि वो जो ऐप है वो प्ले स्टोर में है या फिर नहीं, तो प्ले स्टोर में होता है तभी परचेस होता है, और प्ले स्टोर में नहीं होता है अवेलेबल इसलिए परचेस नहीं होता, इसलिए वहाँ पर लिखा आ रहा है परचेस इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से मतलब वेरीफाई करना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल फ्री फायर को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है, जिसके कारण से यहाँ पर हमारा डायमंड या फिर कुछ भी परचेस नहीं हो रहा है। तो गाइस अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखो यहाँ पर डायमंड मतलब 50% ऑफ आया है और हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, 50% ऑफ है बेकार का, कुछ मतलब का नहीं। तो भाई जिसके पास डायमंड है वो मतलब वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, शेयर अपने फ्रेंड से मतलब 50% ऑफ के साथ, अगर कैरेक्टर कुछ भी बंडल शेयर करना चाहते हो, यहाँ पर देख सकते हो कैरेक्टर सब मतलब कम डायमंड में यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। एंड डिस्काउंट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 10 डायमंड का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर लगा सकते हो। तो बस आज की वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर फ्री फायर को, और एंड गाइस फ्री फायर बैन हो गई या नहीं है मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, बाकी मैं और बाद में और वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं, कई लोग बोल रहे हैं फ्री फायर बैन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैन कुछ नहीं होगा गाइस, यहाँ पर अभी फिलहाल उतना कुछ न्यूज़ नहीं मिला। एंड यहाँ पर प्ले स्टोर से रिमूव क्यों किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ ग्लिच हुआ है गाइस। एंड यहाँ पर गरेना वाले बोलते हैं, मतलब कई लोग यूट्यूबर जो है पूछते हैं, तो एंड यहाँ पर उसके नेम की वजह से हुआ है गाइस। अगर फ्री फायर बैन होता तो फ्री फायर मैक्स को भी हटाया जाता, आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करोगे तो फ्री फायर मैक्स भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर फ्री फायर को हटाया, फ्री फायर मैक्स को नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पर रीजन ये कुछ हो सकता है, मतलब
फ्री फायर में फ्री फायर जो उसका नेम था उस नेम में थोड़ी कुछ गड़बड़ी थी गाइस, जैसे फ्री फायर और क्या लिखा होता है ना आगे एक नेम वर्ड लिखा था इल्यूमिनेट, जिसके कारण से कुछ मतलब प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, अगर आपको ज़्यादा कुछ समझना है तो आप GW मनीष यूट्यूब चैनल है उनके चैनल पर जाकर रिसेंट एक अपलोडेड है तो उससे जाकर देख सकते हो, ठीक है। एंड गाइस उसी कारण से यहाँ पर फ्री फायर को यहाँ पर प्ले स्टोर से अभी रिमूव किया गया, उसे ठीक करके 2-3-4 दिनों बाद उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे और लाएंगे, ठीक है। बाकी फ्री फायर मैक्स को नहीं हटाया गया इसी कारण से, उसके नेम वर्ड में कुछ प्रॉब्लम था। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना इसी तरह से गेमिंग अपडेट्स पाने के लिए। तो और नीचे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।